रियल नंबर हमें गिवन है, या तो रियल होगा, रैशनल होगा या इरेशनल होगा, देन वी आर गिवन रैशनल नंबर मे और मे नॉट, रैशनल नंबर मे बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, और यू कैन से नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, एंड एन इरेशनल नंबर मे बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग. ये हमें दे दिया उन्होंने डेसिमल एक्सपेंशन. अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ रियल नंबर. इनमें से कौन सा नंबर जो है आपका वो रियल नंबर है. फर्स्ट ऑप्शन है आपकी रूट सेवन, सेकेंड ऑप्शन इज 31, थर्ड ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ऑप्शन ए ओनली. Both A and B, क्योंकि आपको उसमें क्लियर कट mentioned है that a real number, every real number is either a rational number or an irrational number. Which of the following is a rational number? Options are 7 by 13, 4 by root 13, 4 by 16 and 2 root 3. Which of the following is a रैशनल नंबर? यहाँ पे एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट. बोथ ए एंड सी, डी ऑप्शन इज बोथ ए एंड सी. देखो इस वाले को ये नहीं कि रूट है तो डेफिनेटली इट विल बी एन इरेशनल नंबर. समटाइम्स ये सॉल्व होके आपका रैशनल बन रहा होता है. अब 4 by 16 की कटिंग हो जाएगी 1/4. 1/4 का जब आप रूट लोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1/2, which is a rational number. So A and C both are rationals. Same way mein, which of the following is an irrational number? Options given to us are 2 root 3 by 6, 2 root 16, root 81, 7 root 2 minus 7 root 2. Option B. मैं मेरा question सुनो ध्यान से. Which of the following is an irrational number? First option में root 3 और 6 अगर even हम cancel out भी करते हैं तो denominator में root वाली term आ जाएगी. This is 2 into 4, 8, not irrational. 9 and 7 root 2 minus 7 root 2 is 0. Okay? So the first option will be your answer. Now, which decimal expansion is terminating? Ab different decimal expansions hame given hai. Hame batana hai which out of these is terminating. First, we are having 0. Which out of these is option D? End है इसका, आगे बार नहीं given या dash 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 नहीं given. It means यहाँ पे ये terminate हो रही है. तो this will be your answer. Which decimal expansion is non-terminating? We are given the options as 0.873, 0.812 bar, then 0.327 and 414. तो बार वाला जो है दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग. नाउ द नेक्स्ट वन, बिटवीन टू रैशनल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल नंबर्स एंड सम और डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मे और मे नॉट बी इरेशनल. प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स मे और मे नॉट बी इरेशनल. यानी कि जब हम प्रोडक्ट या कोशेंट लेते हैं या फिर जब हम सम और डिफरेंस लेते हैं टू इरेशनल नंबर्स का, तो इट मे जो रिजल्ट है दैट मे और मे नॉट बी इरेशनल. अब क्वेश्चन हमें गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर. हमें इनमें से बताना है कि कौन सा नंबर जो है दैट विल बी रैशनल. फर्स्ट ऑप्शन इज 2 minus root 5. Second is 1 by root 2.
थर्ड इज 2√7 अपॉन 7√7 एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 3+√23+√23. Which of the following is a rational number? इनमें से कौन सा रैशनल है? रूट सेवन और रूट सेवन कैंसल आउट हो जाएगा. यू विल बी लेफ्ट विद 2/7. इसमें भी इरेशनल नंबर है, इसमें भी इरेशनल है, इसमें भी इरेशनल है, क्योंकि दोनों के साइन सेम है तो कैंसल आउट नहीं होगा. सो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर? 0.14, 0.1416 बार, 0.1416 पूरे पे बार, एंड 0.4014001 4000001. तो ऑप्शन डी जो है, क्योंकि ये डेसिमल एक्सटेंशन आपकी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग है, नॉन रिपीटिंग है, सो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इरेशनल नंबर. तो ये जो प्रॉपर्टीज है इनकी कि इरेशनल कब होगा अकॉर्डिंग टू डेसिमल एक्सटेंशन, या अगर उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है तो वो आपको पता होनी चाहिए. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर? अगेन दिस इज 4/9, √12/√3, √7 एंड √81. इरेशनल सी, ये √7 है, ये 2/3 क्योंकि दोनों परफेक्ट स्क्वेयर्स हैं. ये इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ एक रूट के नीचे, तो 3/4 एंड √4 is 2, तो दिस इज नॉट एन इरेशनल नंबर. तो आपने क्या करना है, जब ऐसे ऑप्शंस गिवन होंगी उनको चेक करना है ध्यान से, वो सॉल्व हो रही हैं या नहीं हो रही. सॉल्व हो रही हैं तो उसको चेक करो कि कहीं वो आपको एक रैशनल नंबर तो नहीं दे रहा. अब ये √7 अकेला एंड √81 इज अगेन 9, तो √7 जो है दैट इज द इरेशनल नंबर. हाँ जी, हाँ जी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is a rational number? अब इसमें आपको rational बताना है. Options are √23, 7.4780, 4780, then 2 − √3 + 2 + √3, and option D 20 + √2. हाँ जी, Which of the following is a rational number? यहां negative sign, क्योंकि otherwise दोनों rational बन रहे. तो here it is the negative sign. Option D will be your answer. क्यों? क्योंकि ये root और root आपका cancel out हो जाएगा, आपका 20 रह जाएगा यहाँ पे. और यहां जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 − √3 − 2 − √3, दिस विल गिव यू, यहाँ पे आपका ये वाला नंबर कैंसिल होएगा, यू विल बी लेफ्ट विद −√3, और −√3 क्या है आपका? इरेशनल. तो इट मींस ये जो नंबर है आपका, दिस इज अ रैशनल नंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन बिटवीन टू रैशनल नंबर्स? दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनमें से कौन सी जो ऑप्शन है दैट विल बी करेक्ट? ऑप्शन ए है, देर इज नो रैशनल नंबर बिटवीन दैट टू रैशनल नंबर्स. सेकेंड, देर इज ओनली वन रैशनल नंबर. थर्ड, देर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स. फोर्थ, देर आर ओनली रैशनल नंबर्स एंड नो इरेशनल नंबर्स. ऑप्शन सी विल बी योर आंसर, देर विल बी इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स. इसी के साथ अगर मैं ऑप्शन डी चेंज कर दूं, देयर विल बी मैनी रैशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर्स, तब सी लोगे कि डी लोगे? क्वेश्चन है बिटवीन टू रैशनल नंबर्स. सी ऑप्शन था, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स. ऑप्शन डी अगर मैं कर दूं कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, तो सी ठीक है कि डी ठीक है? ऑप्शन डी विल बी योर आंसर. ठीक है, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है ये केस स्टडी आपकी.
The coordinate axis divide the plane into four regions. These regions are called quadrants. The region x to y is called first quadrant, y o x dash is second quadrant, y dash o x dash is the third quadrant, and x dash o y dash is called the fourth quadrant. Hanji? Hanji. आपको ये बताना है इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट -2, -3 लाइज. बोथ आर नेगेटिव, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, यानी कि क्वाड्रेंट विल बी द थर्ड क्वाड्रेंट. देन इन विच क्वाड्रेंट 0, 0 लाइज. ऑप्शंस आर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, none of these क्योंकि ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इट विल लाई ऑन बोथ द एक्स एक्सिस एज वेल एज द वाई एक्सिस. द पॉइंट्स अदर देन ओरिजिन फॉर विच एब्सिसा इज इक्वल टू ऑर्डिनेट विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. क्वेश्चन है द पॉइंट अदर देन ओरिजिन फॉर विच एब्सिसा इज इक्वल टू ऑर्डिनेट फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड को भी साथ में लोगे क्योंकि ये दोनों नेगेटिव या ये दोनों पॉजिटिव. अब उसने कहा अदर देन ओरिजिन, तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले पॉइंट्स लेती हूँ बोथ विल बी पॉजिटिव, 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये सारे पॉइंट्स आएंगे. अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में लेती हूँ -1, -1, -2, -2, -3 एंड सो ऑन, तो इट विल लाई इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट. हरगुण शिफ्ट टू दिस साइड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन द सेकेंड क्वाड्रेंट आर रिस्पेक्टिवली प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस और माइनस प्लस. इन द सेकेंड क्वाड्रेंट क्या क्या है दोनों, माइनस प्लस. अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता साइंस ऑफ ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा रिस्पेक्टिवली सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि वैसे इसका माइनस प्लस होता है, बट जब वो ऑर्डर चेंज कर देगा तो प्लस माइनस बन जाएगा. तो ये चीज का आपने ध्यान देना है क्योंकि रिस्पेक्टिवली वर्ड लिखा हुआ है, तो जो पहले आ रहा है उसके साथ वाला साइन पहले, जो बाद में है उसके साथ वाला साइन बाद में. एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज 0, 1, 2 और एनी नंबर. एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्स कोऑर्डिनेट कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो इट कैन बी एनी नंबर. अब फिगर गिवन है हमें and we are to find the coordinates. This is your x-axis, y-axis, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई. अब इनके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, तो इक्वल डिस्टेंसिंग होगी इनकी. अब पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे ये, क्या आएंगे ये 1, 1. पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स आर 4, 4. देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा पहले आएगा ये ध्यान रखना है. देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, -3, -4
एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ई. तो यही था आपका ये वाला केस स्टडी. देन लाइंस एंड एंगल्स. अच्छा, इसी में आपकी जो है जो कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे उनके बेसिस पे, जैसे आपके क्वेश्चन थे कि ज्वाइन करना है इस पॉइंट को, कौन सी फिगर फॉर्म हो रही है, एरिया फाइंड आउट करना है, तो वो आपका आ सकता है. सो दैट यू नो हाउ टू डू. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें AOB एक स्ट्रेट लाइन गिवन है. एंड देन वी आर गिवन एंगल AOC इज 3x माइनस 8. एंड एंगल COD एज 50 डिग्री. ये हमें 50 डिग्री गिवन है. एंड एंगल बी ओ डी एस. हाँ जी, दिस इज डी, इसको डी कर लो क्योंकि डी हमें देगा. चलिए अब बताइए वैल्यू ऑफ एक्स इज. सबसे पहले हमें एक्स की वैल्यू बतानी है. हाँ जी, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट लग जाएगा 3x माइनस 8 प्लस 15 प्लस क्या आएगा, कितना आएगा, 120. हाँ जी ठीक है, उधर जाएगा माइनस होगा 128. तो x is 32. उसके बाद the sum of the angles is, sum of all the angles over here, 180 degree. If the angles of the triangle are 3x, 2x minus 7 and 4x minus 11, then the value of x is. If the angles of a triangle, हाँ जी, हाँ जी उसी में है, बट उन्होंने ये वैल्यूज इसकी बजाय ये कर दी. क्वेश्चन ऐसे बना दिया, इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन एज दीज देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. इस ये एक्स हो गया, ये पार्ट खत्म यहाँ पे. ठीक है, अब उन्होंने थर्ड पार्ट में हमें ये साथ में मेंशन कर दिया, इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर दीज. एक ट्राइंगल के ये एंगल्स हैं, ठीक है, तो एक ट्राइंगल के ये एंगल्स हैं, तो इट मींस एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी एंड यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स. अब इस वाले एक्स का और इस वाले एक्स का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने. हाँ जी मिलन, डन. क्या ये वैल्यू 22 वन ट्राइंगल है, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल गिवन. द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंगल इन दिस क्वेश्चन, इन द अबव क्वेश्चन, दिस विल बी 66. 3 इंटू 22 दैट इज 66. वैल्यू ऑफ सेकेंड एंगल, नहीं नहीं ये इस वाले क्वेश्चन के लिए पूछ रहे, ये वाला पार्ट यहाँ खत्म. एक्स की वैल्यू निकाली जहां और उसको स्ट्रेट लाइन मतलब सम बने थी, वो दो पार्ट खत्म हो गए. थर्ड पार्ट में उसने हमें क्वेश्चन दिया, इफ दीज आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि अब ये वाले पार्ट्स खत्म, ये नेक्स्ट पार्ट बन गया. ठीक है, ये केस स्टडी में ही है, केस स्टडी में ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं तो ध्यान रखना है. तो 3x plus 2x minus 7 plus 4x minus 11, x 22 आ गया था. उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एंगल इन द अबव क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन में ये कहा इन द अबव क्वेश्चन, यानी कि थर्ड वाले क्वेश्चन के एंगल्स निकाल. ठीक है, तो क्या आया फर्स्ट एंगल आपका 66, सेकेंड एंगल विल बी 37. ठीक है,
Then complementary angles have a sum 90 degree and the supplementary angles have a sum 180 degree and sum of the angles of a triangle is 180 degree. Based on this information, we are to give the following answers. We are given this figure, two intersecting lines. AB and CD. These are intersecting at O. Then this is OE. This angle is given to be 132. This angle is Y. Then this full angle is X and this angle is Z. Find the values of first hai X. Ek ek karke bol. X aa jayega 132 vertically opposite angles. Then Y is equal to 180 क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन एंगल है तो y की वैल्यू 180 माइनस 132. अब वैल्यू रहेगी किसकी? z की. यस, y प्लस z प्लस आई एम नॉट गेटिंग y प्लस क्यू x ये लिए हमने बच्चे वो तो आ ही रहा है 180 वो तो 180 आ ही रहा है. O is the bisector of angle AOD. OE is the bisector of angle AOD. तो ये z है तो ये भी कितना आ जाएगा z because both of these angles will be equal. ठीक है तो अब बताओ क्या आएगा. y plus z is equal to 180. क्लियर ही है. 2z is equal to 180 minus 48 कितना आया. या सीधा आप वो भी कर सकते हो यहाँ 132 था उसका हाफ कर दो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ z जैसे मर्जी कर. z is कितना आएगा. ठीक है क्लियर समझ आ गया. ये यहां से सीधा भी आप ले सकते हो क्योंकि x का बाइसेक्टर है ये एंगल तो जो आपकी x की वैल्यू थी सीधा उसका हाफ कर तो यू विल गेट योर आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 1:5. फाइंड द एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 1:5. फाइंड द एंगल्स. (15 and 75). Now the next question. ये दो लाइंस पैरेलल हैं. ये दो लाइंस पैरेलल हैं. वी आर गिवन दिस एंगल टू बी 44. We have to find ABC. ये 44 तो ये भी 44 आ गया because these are parallel. A कितना आ गया? 44. Don't give me the answer in this way. खेल ऐसे at a time A किया C. Last boy. पहली बार बोल रहा है ये क्लास में. बताओ. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. लीनियर पेयर 180 माइनस 44 कितना आएगा माइनस करके तो दीज आर वर्टिकली अपोजिट तो सी इज ऑल्सो. सिट डाउन प्लीज.
A builder has made a layout of a colony so that lane A is parallel to lane B. In between A and B, he also plans to leave a garden area as shown in the figure. What value is he showing by doing so? Value वाला तो question नहीं आएगा आपका. If the measure of angle one is 120 degree, find the other angles. Figure इस तरह से है. दो lines parallel हैं. Lane A और B parallel हो गई. This is your angle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. This angle is given to be 120. Angle 1 is equal to ये चार है, कितने आएंगे? Reason? 1 and 3 are vertically opposite angles and 1 and 5 are corresponding angles. 5 and 7 are again vertically opposite angles. Up 2, 4, 6, 8. ये 120 तो ये 60 आ गया. अब ये 60 तो 8, 60, 6, 60 and 2, 2. Question था कि उन्होंने मतलब वैसे केस स्टडी बना दी कि अ बिल्डर हैज मेड अ लेआउट ऑफ कॉलोनी सो दैट लेन ए इज पैरेलल टू लेन बी इन बिटवीन ही लीव्स द स्पेस ये जो स्पेस है दैट ही लीव्स फॉर द गार्डन एरिया उसके बाद ये एक लेन सी है जो ए और बी को क्रॉस करती जा रही है तो फाइंड द एंगल्स बिटवीन दिस ठीक है हां जी कल किया था ये आई थिंक ओके चलो लेट अस डिस्कस इसमें ये पैरेलल गिवन है आपको ए बी पैरेलल सी डी वी आर गिवन ए बी एंड सी डी पैरेलल देन एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी ये एल So this is perpendicular to both of these and find the value of x. ये point E given है. किया हुआ है हमने ऐसा. This is 25 degree and this is 110 degree. You are to find the value of x. ऐसे आंसर नहीं चाहिए हर गुण इधर ही ये 17 ओके Which one? ये 70 बिल्कुल ठीक है इनका सम शुड बी 70 ये 25 है तो ये कितना आ जाएगा 45 अब ये 45 है ये लीनियर पेयर 180 माइनस ठीक है डन दोबारा देखो हमने क्या किया इस लाइन को एक्सटेंड कर लिया अब ये वाला एंगल मुझे 110 गिवन है तो ये क्योंकि आपका लीनियर पेयर है तो ये 70 आ गया अब ये दोनों लाइंस पैरेलल थी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दीज विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये 70 था तो ये भी 70 आ गया अब ये वाला ट्राइंगल है दिस इज एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स विल बी सेम ये 70 था ये 25 था तो दिस विल बी 70 माइनस 25 तो ये 45 आ गया आपका इसमें यहां कह रहे हो हाँ क्यों हाँ जी तब भी लगेगी सेम तो ये आपका 45 आ गया ये आपका
जो है लीनियर पेयर बन रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो 180 में से 45 माइनस करके यू विल गेट योर आंसर। पॉलिनोमियल्स है अपना स्टेटस में, नो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के हम कल कर चुके हैं क्वेश्चन। हाँ जी, ट्राइंगल्स है, हीरोन्स फॉर्मूला के भी अभी कर लो। नाउ वी आर गिवन रोहन हैज अ फील्ड विच इज इन ट्राइंगल शेप, ये ट्राइंगल शेप में एक फील्ड है रोहन के पास। He wants to sow wheat and ragi in two parts. He divided the field in two parts by drawing PQ parallel to BC. उसने क्या किया, फील्ड को टू पार्ट्स में जो है डिवाइड कर लिया। एक पार्ट में वो वीट सो करना चाहता है और एक में रागी। P is the midpoint of side AB. ये AB का midpoint है and some other dimensions are as AP हमें given है 7 centimeter, BC हमें given है 10 centimeter, then AC ये पूरी हमें given है 11 and height of the triangle is 12 centimeter। ठीक है, questions given है आपको। first है area of triangle ABC, you are to find the area of triangle ABC। बेस गिवन है, हाइट गिवन है, फॉर्मूला लगा लोगे हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 60 आ जाएगा आंसर। अब ये ध्यान रखना है ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज करने के लिए, यू कैन हैव द टू ऑप्शंस एज 60, वन मे बी कंटेनिंग 60 सेंटीमीटर एंड द अदर मे बी कंटेनिंग 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि ये एरिया है तो यूनिट भी आपने ध्यान से देना, ठीक है। आंसर्स मैं बार बार कह रही हूँ, दे विल बी वेरी क्लोज, तो हरिडली पेपर नहीं करना है। पेपर बहुत कूल माइंडेड करोगे तो पेपर टफ नहीं है, बट अगर जल्दी जल्दी में करोगे तो सिली मिस्टेक्स विल बी देयर, जो देख के आपको खुद लगेगा कि ये मिस्टेक हम अवॉइड कर सकते थे। तो दिस वी विल कम्प्लीट टुमारो, एज द बेल हैज गॉन सो आई एम एंडिंग द मीटिंग। इफ एनी चाइल्ड इज हैविंग एनी डाउट।